सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अंगारकी चतुर्थी का भी सर्वश्रेष्ठ योग। भगवान चिंतामण गणेश को लगा 1.25 क्विंटल तिल्ली के लड्डुओं का महाभोग। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई गई। मंगलवार के दिन चतुर्थी होने से यह अंगारकी चतुर्थी भी है। इस दिन भगवान गणेश चौथ माता के साथ भगवान मंगलनाथ व अंगारेश्वर महादेव के भी पूजन का विधान है। उज्जैन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस बार मंगलवार को तिल चतुर्थी और अंगार की चतुर्थी का संयोग लगभग 7 वर्ष के बाद बना है। 10 जनवरी मंगलवार को अंगार की चतुर्थी भी मनाई गई। वर्ष भर में आने वाली चतुर्थी में यह सबसे बड़ी है। मंगलवार को नक्षत्र की अनुकूलता के कारण चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि योग में आई है। इस योग में की गई साधना उपासना मनोवांछित फल प्रदान करती है। तिल चतुर्थी पर चिंतामण सहित शहर के अन्य गणेश मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। आज मंगलवार को माघ मास की चतुर्थी है। इसे तिलकुट चौथ माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इसमें गौरीपुत्र गजानन को तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। अंगार की चतुर्थी का योग होने से इस दिन भगवान मंगलनाथ और अंगारेश्वर का पूजन भी विशेष तौर पर किया गया। यह चतुर्थी सर्वार्थ सिद्धि योग में आ रही है। तिलकुट चतुर्थी साल में आने वाली 4 बड़ी चतुर्थियों में से एक है। अंगारक चतुर्थी होने से देश भर से भक्त इस दिन श्री मंगलनाथ और शिप्रा तट स्थित श्री अंगारेश्वर मंदिर में पूजन करने पहुंचते हैं। गणेश मंदिर पर चतुर्थी का एक महत्व होता है और वर्ष में जो 4 चतुर्थियां बड़ी होती है उसमें से ये एक है। इसको महामाघी तिल चतुर्थी के नाम से कहा जाता है। भगवान गणपति को तिल के लड्डुओं का, गुड़ तिल के लड्डुओं का भोग लगा करके और मकर संक्रांति की शुरुआत यहाँ से की जाती है। इस गुड़ तिल के प्रसाद गणपति को चढ़ाने के बाद में ही आगे कार्य में आता है। तो ये आज जो यहाँ पर मनाया जा रहा है एक महामाघी चतुर्थी बड़ी चतुर्थी के रूप में भगवान का उत्सव मनाते हैं। आपकी गणेश मंदिर की क्या विशेषता है अन्य मंदिरों की तुलना? एक विशेषता के लिए कहें तो यहाँ पर 3 प्रतिमाएँ एक साथ विराजित हैं, चिंतामन गणपति, इच्छामन गणपति और सिद्धि विनायक। यहाँ पर विशेषता यह है कि किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति आवे तो उसका सभी कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है। मन की चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है और सिद्धि विनायक से सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। ऐसी यह विशेषता मुख्यतः एक ही मंदिर है जहाँ पर 3 प्रतिमा एक साथ विराजित है।